हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगम लेक्चर में। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा क्या है इक्वेशन। यहाँ पे देखिए छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। यहाँ 24 / 8 / 4 / 2 इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे और बेसिक से भी देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 90% लोग इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। यदि आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि 90% इस वीडियो को लोग हल नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे को देखकर देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को आप लोग बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद इसका बेसिक भी बताऊंगा, तो वीडियो में बन रही है। तो देखिए इसका यह ट्रिक यह है कि पहले हम लोग लिखेंगे 24 को, जो सबसे पहले रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे, ठीक। और जो नीचे रहेगा यहाँ से उसको हम लोग क्या लिख देंगे, गुणा में लिख देंगे, ठीक ना। 4 × 2, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो 8 × 3 = 24 हो गया, और 4 × 2 = 8, 3 / 8, ये 3/8 आंसर आएगा। यदि आप इसको 3 में 8 का डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक ना। अगर इसको पॉइंट में लेना चाहेंगे तो 0 और 30 8 3 = 24 इतना आएगा, 0.3 समथिंग आएगा, ठीक। इसको हल करेंगे आगे, तो अब इसका हम लोग बेसिक जानते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसको हम प्रत्येक प्रकार के ऐसे यदि क्वेश्चन बनेंगे तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसका हम लोग बेसिक जानते हैं, ठीक ना। आप लोगों को एक बात पता है फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पता है कि 3/4 / 1/2 है, हम लोग इसको क्या करते हैं, 3/4 जो भागा होता है उसको क्या करते हैं, गुणा में हम लोग चेंज करते हैं, तो 2/1 हो जाता है, ठीक ना। जैसे भाग को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं, ये ऊपर जाता है एक नीचे आता है, इस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, 24 है ना, तो 24 को हम लिख सकते हैं 24/8/1/4/1/2/1, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब पहले वाले को आईएटी की लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 24/1 ऐसे ही रहेगा। अब सेकेंड वाले को भाग है तो उसको गुणा में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा, ऐसे इसको करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, इसको करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, ठीक ना। अब इसको देखिए करेंगे तो 24/1, अब यहाँ पे देखिए 1 है ना, 8 फूट नीचे जो डिनोमिनेटर में है, 8 है, 4 है, 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 4 × 2, और 8 × 3 = 24, 4 × 2 = 8, तो 3/8, यही चीज देखिए आ गया सेम ना, ठीक। तो ऐसा यदि क्वेश्चन कहीं आ जाए तो हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, तुरंत पहले को लिखिए और तुरंत नीचे जो और जो बच रहा है उसको गुणा कर दीजिए, ठीक ना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।